पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक अपराध संबंधित क्षेत्राधिकारी गण एवं एसएचओ मुरादनगर द्वारा एक गैंग वर्कआउट किया गया है। 16 व 17 के मध्य जो रात्रि थी अगस्त में, उस समय एक पेट्रोल पंप जो कि दुहाई मुरादनगर में, जो गाजियाबाद मेरठ जो रोड जाती है, हाईवे जाता है NH-58, वहां पर जो स्थित है, वहां पर एक इसी बदमाशों ने रात में एक जो वहां पर गार्ड था उसकी राइफल लूट ली थी और उसको जख्मी कर दिया गया था। उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस संबंध में मैनुअल इंटेलिजेंस से, सर्वेलेंस से और अन्य जानकारियां प्राप्त करते हुए ये तीन अपराधी मनीष, विनीत और मनोज जो कि भिकनपुर मुरादनगर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इनका एक साथी राहुल अभी फरार है। मनोज का जो घुकना स्थित घर है वहां पर इन लोगों ने हथियार प्राप्त करने की योजना बनाई ताकि ये भविष्य में इससे अपराध कर सकें और इस घटना को अंजाम दिया। इनसे इस DVBL जो बंदूक है इसको बरामद कर लिया गया है, इसके तीन कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं और एक कंट्री मेड पिस्टल भी इनसे बरामद है। साथ ही जो घटना में पैशन प्रो मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल की गई थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है और भविष्य में इन पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है।